हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए शेक्सपियर के सबसे फेमस सोनेट में से एक सोनेट 18 का हिंदी में समरी लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं छगन अरोड़ा श्री गंगानगर राजस्थान से आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट सोनेट 18। सोनेट 18 शेक्सपियर का सबसे फेमस सोनेट में से एक है। शेक्सपियर, आपको पता ही है कि शेक्सपियर के सोनेट 1 से लेके सोनेट 126 तक एक यंग मैन के अंदर पोइट के लव इंटरेस्ट को शो करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे। फर्स्ट क्वाट्रेन की फर्स्ट लाइन में शेक्सपियर कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें एक समर के डे, गर्मी के दिन से तुम्हें कंपेयर करूं। दाऊ आर्ट, दाऊ मतलब यू, आर्ट मतलब आर, यू आर मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, यानी कि आप ज्यादा लवलियर और टेम्परेट माइल्डर हो। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। रफ विंड्स मतलब जो तेज हवाएं चलती हैं, वो मई के महीने में सुंदर सुंदर जो कलियां खिलती हैं, बर्ड्स मतलब कलियां, उन्हें हिलाती हैं। एंड द समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट ए डेट। और जो समर है वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है, क्योंकि वहां सर्दी ज्यादा पड़ती है, इसलिए कहते हैं कि समर वहां ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है। सेकेंड क्वार्टराइन के अंदर सम टाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स। कई बार सूरज जो है, द आई ऑफ हेवन मतलब सन, कई बार सूरज जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा तेज चमकता है। एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड। और कई बार इसका जो गोल्डन फेस है उसके ऊपर गोल्ड कॉम्प्लेक्शन, मतलब कॉम्प्लेक्शन मतलब आपको पता ही है वैसे ही कलर होता है, यहाँ पे है गोल्ड कॉम्प्लेक्शन मतलब फेस, उसका फेस डिम हो जाता है। क्यों डिम हो जाता है? क्योंकि सूरज को बादल कवर कर लेते हैं, क्लाउड्स कवर कर लेते हैं, इसलिए वो डिम हो जाता है। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइन। और ये सबसे फेमस लाइन्स में से एक है कि हर एक जो ब्यूटीफुल चीज होती है वो, यानी कि हर एक जो ब्यूटीफुल चीज की ब्यूटी होती है वो कई बार कम हो जाती है, रुक जाती है ब्यूटी उसकी। क्यों? बाय चांस, बाय चांस मतलब बाय एक्सीडेंट, या तो एक्सीडेंट से ऐसा हो जाता है, और नेचर्स चेंजिंग कोर्स। नेचर्स चेंजिंग कोर्स मतलब नेचुरल चेंज ऑफ एज, जो एज के कारण पर्सन के अंदर चेंज हो जाते हैं उसके कारण ब्यूटीफुल, हर एक ब्यूटीफुल की ब्यूटीफुल की ब्यूटी जो है वो फेड हो जाती है। बट अब यहाँ इन दो क्वार्टरन के अंदर, यानी कि ऑक्टेव के अंदर फ्रेंड को समर से कंपेयर किया है, लेकिन थर्ड क्वार्टरन में जो फ्रेंड है वो समर ही बन जाता है। बट दाए एटर्नल समर, पर तुम्हारा जो एटर्नल मतलब हमेशा, फॉर एवर समर, शैल नॉट फेड, विल नेवर फेड, वो कभी फेड नहीं होगा। नॉर लोस पोजेशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओवेस्ट, और ना ही तुम कभी भी अपनी सुंदरता पे, जो तुम्हारी सुंदरता है, तुम उसकी पोजेशन, जो तुम्हारे पास सुंदरता है, तुम उसे कभी भी खोओगे नहीं। Nor shall death brag you want rest in his shade. ना ही कभी death brag मतलब एक डिंग मारेगी, ना ही कभी death ऐसा बोल सकती है कि तुम उसकी उसकी छाया में सो रहे हो, मतलब कि तुम कभी मरोगे नहीं, तुम हमेशा अमर हो जाओगे। When in eternal lines to time you growest. अब यहाँ पे पोइट एक बहुत ही शानदार ग्राफ्टिंग मेटाफर का यूज करता है। ग्राफ्ट होती है कलम लगाना,
आपको पता है ना कि कलम कैसे लगाई जाती है, यहाँ पे क्या होता है कि ग्राफ्टिंग के अंदर दो प्लांट्स के पार्ट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। जैसे तो जब वो उगते हैं दोनों प्लांट्स, जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि सफेद गुलाब पर जब काले गुलाब की कलम लगा दी जाती है तो जो उगने वाला गुलाब है उसमें दोनों के गुण आ जाते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि जो बिलवेड है वो इमोर्टल हो जाएगा, कैसे, कि जब उसे पोइट की कोर्ड्स के साथ लगा दिया जाएगा। पोइट की कोर्ड है यहाँ पे एटर्नल लाइंस, लाइंस मतलब हम अभी कहते हैं कि When in eternal lines to time you growest, कि beloved जब तुम मेरी कविताओं में जब ग्राफ्टेड हो जाओगे, तुम्हें मेरी कविताओं में जब बताया जाएगा तब तुम क्या है हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। So long as, सिमली यूज करता है, so long as men can breathe और eyes can see, जब तक आदमी जिंदा है और देखने के लिए आंखें हैं। सो लॉन्ग लाइफ दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, तब तक ये पोएम आपको जिंदा रखेगी, ये तब तक ये पोएम जिंदा रहेगी एंड ये आपको जिंदा रखेगी। सो लॉन्ग लिव्स दिस, दिस मतलब पोएम, एंड दिस पोम गिव्स लाइफ टू दी, और ये बिलविड को कहता है कि सर ये बिलविड को लाइफ देगी। सोनेट 18 जो है ये शेक्सपियर के टोटल 154 सोनेट में बेस्ट नोन सोनेट है और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में है। जो लव की स्टेबिलिटी है और इसकी पावर की किसी भी पर्सन को ये इमोर्टलाइज अमर कर सकता है, ये हम इसकी मेन थीम यही है कि लव की स्टेबिलिटी और लव की पावर वो किसी भी पर्सन को इमोर्टलाइज कर सकता है। सो राइम स्कीम इसकी वही शेक्सपियर की फेमस राइम स्कीम है, ए बी सी डी सी डी ई एफ जी जी। ऑक्टेव में फ्रेंड को समर से कंपेयर करता है और थर्ड क्वाट्राइन के अंदर फ्रेंड जो है वो समर में मेटाफोरिकली कन्वर्ट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।